नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि मकरागना में संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव को लेकर आज रविवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस दौरान कुल 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशियों के चुनाव अधिकारियों के समक्ष व्यापार मंडल कार्यालय में उपस्थित होकर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के 5 पदों के लिए रविवार शाम 5 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, सचिव पद के लिए 2, कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 व सह सचिव पद के लिए केवल 1 नामांकन दाखिल किया गया, जिसके नामांकन की जांच के बाद सह सचिव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए रियाज अहमद गौड, मुगेर आलम गौशावत व फरहान अहमद गहलोत ने दावेदारी की है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए असगर अली रांदड़, दिलशाद चौधरी, मोहम्मद शलाउद्दीन व मोहम्मद आलम ने अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही सचिव पद के लिए मोहम्मद नदीम गौशावत व अदनान गौशावत नामांकन दाखिल कर दावेदारी जताई है। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष के लिए मुनवर हसन भाटी, इरफान अली व अनवर अली नामांकन किया है तथा सह सचिव के लिए केवल मोहम्मद नदीम ने अपनी दावेदारी पेश की है। सोमवार 12 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 13 दिसंबर को नाम वापसी और प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी अब्दुल रहमान रांदड़ ने बताया कि व्यापार मंडल के चुनाव के लिए कुल 13 नामांकन प्राप्त हुए हैं। 18 दिसंबर को 1713 व्यापारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वहीं मतदान 18 दिसंबर रविवार को बाईपास रोड स्थित हयात होटल में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। मेरा उन 13 कैंडिडेट जो भी खड़े हुए हैं और वो 13 के 13 मैं तो कहूँ खड़े रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर शांतिपूर्वक एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहकर वोटिंग के लिए प्रचार करें और वोट मांगे। ऐसा ना हो कि कोई आवेश में आके एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए या गालियां दे, इससे ये माहौल ही खराब होगा। ये मोहब्बत नहीं बढ़ेगी और आने वाला जो भी जीते उसका साथ देकर ऐसा माहौल बनाए कि आगे इस मार्बल व्यापार मंडी का नाम हो और आगे ये हेरिटेज में जो आया इसको और अपन आगे ले जाए। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी व्यापारियों को नमस्कार और सलाम। जैसा कि अभी आपके सामने ये आंकड़े पेश किए हैं कि हमारे यहाँ अभी 2 दिन में जो प्रत्याशियों के आवेदन है वो 13 कुल मिलाकर आवेदन आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यापारी हमसे पेश आए, और हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि कल नाम वापसी है, उसके बाद परसों फार्म की जाँच और जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा और परसों से ही चुनाव का जो आगाज है वो अपना प्रत्याशी प्रचार वगैरह करे चुनाव चिन्ह आने के बाद में, और शांतिपूर्ण और सादगी से चुनाव प्रचार करें, ऐसी हमारी सबसे अपील है। 18 तारीख को भी आप सबसे व्यापारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सभी चुनाव में शांतिपूर्ण सादगी से और आपसे सौहार्द बनाते हुए अपना मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के संबंध में एक अधिसूचना जारी की जा रही है। आज फार्म नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, कल और आज 2 दिन के लिए। अध्यक्ष पद के लिए मुगैर आलम, फरहान अहमद, रियाज अहमद गौड़ 3 ने अध्यक्ष पद के लिए फार्म भरे हैं। उपाध्यक्ष के लिए दिलशाद, असगर अली, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद आलम 4 जनों ने फार्म भरे हैं। सचिव पद के लिए मोहम्मद नदीम, अदनान गेसावत 2 ने फार्म भरे हैं। कोषाध्यक्ष के लिए मुनव्वर हसन, इरफान अली, अनवर अली गेसावत 3 ने फार्म भरे हैं। सह सचिव पद के लिए केवल 1 ही फार्म हमारे पास आया है, नदीम राठौर। इस प्रकार कुल 13 फार्म हमारे पास आए, इनकी कल हम जांच करेंगे और नाम वापसी है। परसों हम जांच करके और चिन्ह आवंटित कर देंगे और 18 तारीख को चुनाव है और इंशाल्लाह चुनाव निष्पक्ष होंगे और शांतिपूर्ण, आप इसमें सहयोग करें। और अब और कोई बात है तो